सोमवार का दिन इंदौर में कांग्रेस प्रदर्शन के नाम रहा। एक ओर जहां पाटनीपुरा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन कर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई, वहीं कलेक्टर कार्यालय में विधायक संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल धरने पर बैठ गए। नियमों का उल्लंघन यहाँ भी देखने को मिला। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक चल रही थी। इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा एक से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन इन्हें सभा कक्ष के गेट पर ही रोक दिया गया और बैठक में प्रवेश नहीं दिया। इस बात से खफा होकर विधायक शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसमें उन्हें जाने नहीं दिया। जो व्यापारी उन लोग मीटिंग रख दिए, वो मेरी विधानसभा में आधा क्षेत्र आता है उसके अंदर अपना मल्हारगंज है, बड़ा गणपति है, जिंजी है, खजूरी विहार जो मेरे क्षेत्र में आता है, और वो क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पर गरीब परिवार के लोग आते हैं और आज उसको बंद कर रखा है। बोले ये जोन वन में आता है, वन जोन का हम भी पालन करने का बोल रहे हैं, परंतु जोन वन मतलब मीन्स मतलब जहाँ कॉलोनी हो, जो है जहाँ बाजू जो है कैसा है वहाँ होना चाहिए। व्यापार से जोन मतलब क्या होता है, इस जोन के अंदर सबको काम मिलना चाहिए, सबको दुकान होना चाहिए। बेचारे गरीब परिवार और जो व्यापारी लोग बेचारे 4 महीने से लगातार अपने घर में बैठे हुए, और अब त्यौहार का मौसम आ गया, राखी त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारी बहनों का, ईद का त्यौहार बहुत बड़ा होता है, उसके अलावा सावन का महीना चल रहा है, लगातार त्यौहार आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो व्यापार मिले उनके। वहाँ पर बेचारे घर पर बैठे हैं, उनके वहाँ जो वर्कर काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, जो व्यापारी उनको व्यापार नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आज कलेक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग के लिए हम लोग आए थे यहाँ पर कि भाई हम भी बैठे। जनप्रति को कभी ये नहीं होता कि भाई मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। आज पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि कलेक्टर साहब ने मना करा कि मीटिंग में नहीं बैठेंगे आप बाहर बैठे, आप बाहर बैठे, हम आपका बाद में बुलाएंगे आपको, तो उसके लिए हम धरने बैठे। आज देखिए मतलब ये स्थिति हो गई जनप्रतिनिधि की, तो आम जनता की क्या स्थिति हुई होगी, आम जनता कलेक्टर साहब कैसे मिलते होंगे। एडीएम साहब बोल रहे हैं आप बाहर बैठिए, बाहर बैठिए, कलेक्टर साहब तो फ्री होंगे जब आएंगे, जब मिलेंगे। और हम उसी मीटिंग के लिए आए थे, व्यापारी की मीटिंग के लिए, व्यापारी लोग अंदर बैठे हुए, अध्यक्ष जी, सर अध्यक्ष जी, हम भी खुद भी व्यापारी भी हैं और जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाना कितनी बड़ी आज ये घटना है, ये पहली बार ऐसा हो किसी कलेक्टर साहब ने जनप्रति को मना करा मीटिंग के अंदर। कोई हम विरोध करने नहीं आए, हम तो ये समस्या का हल लेके आएंगे भाई, इन लोगों का समस्या हल कैसे पेगा। इसके पहले हमने धन्यवाद भी दिया है, आज से 4 रोज पहले उन्होंने ठेले पर कार्रवाई बंद कर दी, जो व्यापारी राइट लेफ्ट बंद कर दिया, उसके लिए हमने आभार भी प्रकट करा। ऐसा नहीं हम उनको विरोधी करना चाहते हैं, हम तो अभी जो अच्छा काम है उसकी तारीफ भी करते हैं। 4 महीने कोरोना के अंदर उनने हमसे जैसा बोला कि नहीं आप लोग मतलब कोरोना में हमारा सपोर्ट करें, तो हमने लगातार मैं हूँ भाई विशाल पटेल जी हूँ या जीतू बटवारी जी हूँ या विनय बाकलीवाल जी, हम उसके मेंबर हैं, हम सबने लगातार जैसा आप कलेक्टर साहब बोलेंगे हम उसको तैयार रखेंगे। कोरोना महामारी पूरी दुनिया फैली हुई, उसका हमने सपोर्ट किया, आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहते हैं, परंतु आज जैसा व्यवहार हो रहा है हम लोगों के साथ, तो आम जनता का कैसा व्यवहार होगा। ये भाई जो मध्य क्षेत्र को खोलने के लिए आज जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें विधायक जी का अधिकांश क्षेत्र आता है, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी दवा बाजार का अध्यक्ष हूँ, मैं भी अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष होने के नाते मैं भी मीटिंग में जाना चाह रहा था। हमारी तो यही मूल बात थी कि जो आज मध्य क्षेत्र में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, और अभी जो त्यौहार आ रहा है, राखी है, ईद है, सावन का महीना है, गरीब जनता उस क्षेत्र में ज़्यादा जाकर खरीदी करती है, क्योंकि कोई गरीब जनता कोई मॉल में नहीं जाएगी, कोई बड़े बड़े शोरूम में नहीं जाएगी, और छोटी छोटी दुकान है, छोटा छोटा व्यापार है, उनका भी व्यापार चले, वो भी तो पैसा कमाए और अपनी रोजी रोटी चलाए। आज उनको संकट आ रहा है खाने का, उनको संकट आ रहा है तनख्वाह बांटने का, उनको संकट आ रहा है बिजली का बिल भरने का। ये सारे व्यापारी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये राजवाड़ा एसोसिएशन के सारे व्यापारी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्यों ऐसी नौबत आ रही है, क्यों नहीं हमसे कलेक्टर मिलना चाहता है, इतनी क्या धर्मिता हो रही है। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि यह बैठक व्यापारियों के साथ थी, जब विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष आए तो उन्हें सम्मान पूर्वक मेरे कक्ष में बैठने को कहा। नहीं, मीटिंग में उन लोगों को बुलाया नहीं गया था, वो जिद कर रहे थे मीटिंग में आने की, मैंने मना कर दिया था। एडीएम को बोला था कि मेरे कक्ष में बैठाए सम्मान पूर्वक तरीके से, हमारे सम्माननीय विधायक जी भी थे उसमें, संजय शुक्ला जी, तो उनको सम्मान पूर्वक चैम्बर में बैठाने का मैंने बोला था। एडीएम बाहर आए भी थे, किंतु वो मीटिंग में आने की जिद कर रहे थे। मीटिंग कलेक्टर की हो रही है, उसमें अगर इनवाइटेड नहीं है तो उसमें नहीं आ सकता है कोई भी। जिन लोगों को बुलाया गया था वो आ गए थे, मीटिंग चल रही थी, तो वो मेरे चैम्बर में ना बैठ के बाहर धरने बैठ गए, मैंने चर्चा कर ली है उनसे। कलेक्टर मनीष सिंह ने पाटनीपुरा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर भी कहा कि कोरोना काल में किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नहीं देखो, वो तो जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ मसला है, उसमें सभी को
चाहे कोई भी पार्टी का हो, ये समझना पड़ेगा कि जनता के हित में आज संक्रमण को देखते हुए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना चाहिए, खुद भी करना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप के बजाय अगर इस प्रकार की चीज़ें करें, खुद आज मैंने सम्मानीय विधायक जी हमारे संजय शुक्ला जी से मैंने अनुरोध किया है कि आप भी ठेले वालों को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो साथ साथ अवेयरनेस भी लाइए कि लोग किस प्रकार से ठेले में जब झुंड लगाए खरीदते हैं या कुछ इस प्रकार के और भी लोग इकट्ठे होते हैं, किस प्रकार से लोगों में संक्रमण फैलता है, उसके लिए अवेयरनेस भी लानी पड़ेगी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अवेयरनेस अच्छे से आ सकती है, तो वो जो दायित्व जनप्रतिनिधियों का उनको निभाना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता है इसमें। सर, क्या कोई कार्रवाई होगी जो पाटलिपुरा पे इस तरह? मेरे ख्याल से पुलिस को कल ADM का फोन आया था, मैंने बोला था कि उसमें FIR होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, कार्रवाई की गई होगी। गौरतलब है कि सोमवार सुबह कांग्रेस नेता चिंटू चोकसे के नेतृत्व में पाटलिपुरा क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।